मध्य प्रदेश के हरदा पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। राज्य में कई जगहों पर पटाखा दुकानों और गोदामों की जांच की गई है। वहीं सिंगरौली में कलेक्टर अरुण कुमार परमार और एसपी मोहम्मद यूसुफ कुरैशी की संयुक्त टीम ने जिले की बारूद फैक्ट्रियों और गोदाम पर छापामार कार्रवाई की, जहां अनियमितता पाए जाने पर 6 बारूद फैक्ट्री सहित गोदामों को सील कर दिया गया। प्रशासन अब इन संस्थाओं के संचालकों के खिलाफ भी प्रशासनिक कार्रवाई की तैयारी में है। बता दें कि जिले में 1 दर्जन बारूद फैक्ट्री संचालित हैं, जहां जांच के दौरान सील किया गया है। सिंगरौली से संवाददाता राजेश दुबे की रिपोर्ट। तो जो फैक्ट्रीज हैं वो जहाँ पटाखे वालों के बारे में संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई थी, जांच की गई थी, सभी एसडीएम और एसडीओपी को निर्देश दिए गए थे, तो उनके द्वारा इंस्पेक्शन किए गए हैं। तो उसमें जो कुछ अनियमितता मिली थी, जिनमें तो नव भारत फ्यूज कंपनी में जो कुछ अनियमितता थी, उसमें अमोनियम नाइट्रेट वगैरह पड़ा था, तो उसको उसके ऑपरेशन को बंद किया गया है, उसको मतलब उसको सील किया गया था। तो उसका मायने ये कि ऑपरेशन बंद हुआ है, और उसके अलावा स्पेशल ग्लास लिमिटेड ने भी ऑपरेशन को बंद किया है, और आईबीएल में डीजल पंप को सील किया था, और वहां भी अभी ऑपरेशन को बंद करने का निर्देश दिए हैं। इनमें क्या होता है कि जो हम लोग एनओसी जो उनको जारी करते थे, तो उस एनओसी को इन कंपनीज के बारे में, और एक और ये था जय श्री महाकाल एक्सप्रेस मोरवा, तो इनके एनओसी को भी सस्पेंड किया जा रहा है। जब तक वो नाम्स पूरे करने कर देंगे, उसके बाद उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो पटाखों की दुकान थी जो अब्दुल जब्बार और अब्दुल हकीम की, इन पे भी कार्रवाई की गई।